हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अपन जानेंगे दोस्तों न्यूरोकाइन ओडी टेबलेट के बारे में, जो कि ज़्यादातर न्यूरोपैथी में यूज़ की जाती है। दोस्तों, अगर आपके हाथों में झुनझुनी आ रही हो या पैरों में झुनझुनी आ रही हो या फिर आपके हाथों की उंगलियों में अकेले झुनझुनी आती है या फिर आपको एनीमिया की शिकायत है या फिर पोषण की कमी हो गई हो शरीर में, तब ये यूज़ में लाई जाती है और डॉक्टर के द्वारा निर्देशित और प्रिस्क्राइब भी की जाती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। पैकिंग देखिए इसकी, बहुत बढ़िया है दोस्तों। ये जो है दोस्तों 20 टेबलेट की पैक में आता है और ये जो है मैनकाइंड फार्मा के द्वारा बनाया गया है। इसमें जो अल्ट्रा के दोस्तों मेकोबालामिन है और इसकी जो MRP है वो भी बता देते हैं दोस्तों। MRP देखिए 132 रुपये है। तो ये सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाती है दोस्तों, ऑनलाइन भी मिलती है और ऑफलाइन भी मिलती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जो न्यूरोकाइन ओडी टेबलेट है दोस्तों, यह जो है मेकोबालामिन जैसे तत्वों से मिलाकर तैयार की जाती है दोस्तों, और इस टेबलेट में विटामिन B12 के तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि सेल्स मल्टीप्लिकेशन, ब्लड फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस जैसे तत्वों को कंट्रोल करने का काम करती है दोस्तों। यह जो है दोस्तों, और ये टेबलेट उन लोगों को दी जाती है जिन लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है या फिर एनीमिया से ग्रसित हैं, तब इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, या ये उपचार में लाई जाती है। और ये जो है दवा डॉक्टर के द्वारा निर्देशित और प्रिस्क्राइब भी की जाती है। और जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। जो मेकोबालामिन है दोस्तों, इसको मेथाकोबालामिन भी कहा जाता है। जो मेथाकोबालामिन है या मेकोबालामिन है दोस्तों, इसको समान शब्दों में कहे तो विटामिन B12 है दोस्तों। यह जो है मानव शरीर में आवश्यक या सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व में से एक है दोस्तों। इस विटामिन की कमी से गंभीर और स्थायी न्यूरोलॉजिकल क्षति हो सकती है दोस्तों। इसमें जो ड्रग मिली हुई, इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। जो ड्रग है मेकोबालामिन है दोस्तों, यह जो है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है दोस्तों। और इसके अलावा जो है दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। यह जो है न्यूरॉन्स के संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों, और न्यूरॉन्स को पुनः जनन के लिए जिम्मेदार भी मानी जाती है दोस्तों न्यूरॉन्स के लिए। और अगर आपके शरीर में दोस्तों विटामिन B12 का लेवल अगर कम होता है, तब आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। हालाँकि मांस, मछली, अंडे, दूध में यह जो विटामिन B12 दोस्तों स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। अब इसका कार्य जान लेते हैं, ये कार्य कैसे करती है दोस्तों। जो इसमें दोस्तों ड्रग है दोस्तों मेकोबालामिन जो है दोस्तों, एक एंजाइम मेथियोनिन सिंथेस के लिए एक संयोजक के रूप में काम करता है दोस्तों, जो कि होमोसिस्टीन से मेथियोनिन के पुनः जनन के लिए मिथाइल समूह को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और दोस्तों ये जो है बोन मेरो और न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण को भी बढ़ावा देने का काम करता है। एरिथ्रोसाइट की परिपक्वता और विभाजन को भी बढ़ावा देकर दोस्तों ब्लड सेल्स के उत्पादन को भी बढ़ावा देता है। तो ये इसका कार्य हो गया दोस्तों। अब इसका उपयोग जाने तो उपयोग करना चाहिए आपको। अगर आपके शरीर में पोषण की कमी हो गई हो, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में एनीमिया की शिकायत है दोस्तों, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और न्यूरोपैथी में तो इसका उपयोग किया ही जाता है दोस्तों। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की शिकायत है, तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। अगर आपके शरीर के एक हाथ में या एक उंगली में झुनझुनी का बना रहता है दोस्तों, या झुनझुनी बनी रहती है, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। या शरीर के किसी हिस्से में भी झुनझुनी का बना रहना है या बनी रहती है, तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और इसका कुछ दुष्प्रभाव भी है दोस्तों, वो भी जान लेते हैं। जैसे कि पेट में सूजन का आना, लाल चकत्ते हो जाना, सिर का दर्द करना, घबराहट होना, पेट दर्द करना और जी मचलाना, उल्टी होना, इसके साइड इफेक्ट हैं दोस्तों। इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें दोस्तों, इसका जो डोज है दिन में एक बार एक गोली ले सकते हैं खाना खाने के बाद। तो यह था दोस्तों न्यूरोकाइन ओडी टेबलेट के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।